हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ड्राई फ्राई रेसिपी। इसके लिए कुकर ली हूँ मैं। इधर कुकर लेके आधा किलो मटन इसमें धुला हुआ ऐड कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में ली हूँ मैं, देखिए इस तरीके के पीसेस में। अब इसमें हम मसाला ऐड कर लेंगे। इधर आधा किलो गोश्त के लिए 2 स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसी में हम 1 स्पून जितना नमक ऐड कर लेंगे, 1 स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 1 कप जितना पानी ऐड कर लेंगे। ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम। ऑन करके हम कुकर का लिड लगा लेंगे। सीटी लगा के कम से कम 5 सीटी आने के बाद 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में रख के फिर इसमें का लिड हम ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से गल चुका है, देख सकते होंगे आप। इस तरीके से देखेंगे तो अच्छे से गल गया है ये। अभी हम इसको साइड में रख के पैन रख लेंगे। इधर 2 से 3 स्पून जितना तेल ऐड कर लेंगे हम। तेल को गर्म होने देंगे क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा करी पत्ता, 4 सूखी मिर्च ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 मीडियम साइज का प्याज भी चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाना है ये, जब तक इसको अच्छे से भून लेंगे हम। ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। 2 हरी मिर्च लेके इस तरह से मोटा मोटा कट करके रखी हूँ, इसको ऐड कर देंगे हम। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा मसाला ऐड कर देंगे। देखिए कौन सा भी अपनी पसंद का ब्रांड का मसाला लीजिएगा। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैं, 1 स्पून तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/2 स्पून जितना गरम मसाला और चाट मसाला 1/2 स्पून। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब ये गोश्त गला हुआ इसमें ऐड कर देंगे हम। ज़्यादा मसालों को जलाना नहीं है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट पका के फ्लेम बंद कर दीजिएगा। तो आप सूखा बनाना चाहते हैं तो अच्छे से इसको ड्राई कर लीजिएगा। मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको पका लूँगी। और नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम होगा तो इस समय पर आप नमक ऐड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये ड्राई हो गया है। अभी हम फ्लेम बंद कर देंगे, बंद करके इसको सर्व कर लेंगे। रोटी राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको सर्व करके मैं बताती हूँ आपको। मैं सर्व कर चुकी हूँ, अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।